पॉलिटिकल साइंस के मेनली तीन सब फील्ड्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट सब फील्ड्स होते हैं, पॉलिटिकल थियरी, इंटरनेशनल रिलेशंस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अभी तक इस चैनल पर हमारे द्वारा पॉलिटिकल थियरी और इंटरनेशनल रिलेशंस के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जा चुका है और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। लेकिन आज से इस चैनल पर हम पॉलिटिकल साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट सब फील्ड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी शुरू कर रहे हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फील्ड बहुत ही वास्ट है, कई तरह के स्टडीज़ इसके अंतर्गत किए जाते हैं और इनमें से एक तरह का स्टडी है डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना, डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करना। देखिए, आप जिस कंट्री में रहते हैं सिर्फ उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को जानना और समझना आपके लिए एनफ नहीं है। अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने कंट्री से बाहर निकलना होगा, आपको देखना होगा, आपको समझना होगा कि दुनिया की बाकी कंट्रीज़ किस तरह से अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ऑर्गेनाइज करती हैं, पॉलिटिक्स की जो एक्टिविटी है ये बाकी कंट्रीज़ में किस तरह से परफॉर्म की जाती है, ये आपको समझना होगा। और फिर आप इन कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को, इन कंट्रीज़ के पॉलिटिक्स को अपने कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और फिर एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ पर हैं, सिमिलैरिटीज़ कहाँ पर हैं। आज इस वीडियो में हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और अपने आने वाले वीडियोस में हम फ्रांस और रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के उन स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि दिसंबर 2018 यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। कोर्स बहुत ही डिटेल्ड है, कोर्स में फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों को इंक्लूड किया गया है। ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है नेट JRF के एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप हमें WhatsApp के थ्रू इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी। तो आइए अब हमारे आज के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं और हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना, या आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को समझना। पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को समझना। आप एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को ना समझ लें। ओके, तो अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होगा, अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे और इन पार्ट्स, इन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होगा, पावर क्या होगा, ये सब कुछ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अमेरिका के गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बनाया गया है। ओके, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे दुनिया का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट 1787 में बनकर तैयार हो गया था। इस ड्राफ्ट को 1789 में रेटिफाई किया गया और फाइनली इस ड्राफ्ट को 1788 में रेटिफाई किया गया और फाइनली 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में आता है, लागू कर दिया जाता है। ओके, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन क्या इन 200 सालों में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं आया? क्या आज अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 के कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा ही है? नहीं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कई बदलाव आए हैं। 1789 से लेकर अभी तक अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को 27 टाइम्स अमेंड किया जा चुका है। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या थे जिसके द्वारा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, बदलाव लाए गए। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए ये हम समझते हैं। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स जो थे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स किए गए, इन फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स के द्वारा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट किया गया। ओके, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स क्यों किया गया? अमेरिका के सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट करने के लिए। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स के थ्रू अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट किया गया और इन फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स को कलेक्टिवली बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स क्या है? ये फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स को ही हम कलेक्टिवली बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 14th अमेंडमेंट, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 14th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के द्वारा अमेरिका के सिटीजन के लिए नेशनल सिटीजनशिप को स्टेट सिटीजनशिप से लीगली सुपीरियर घोषित कर दिया गया। देखिए इस आर्ग्यूमेंट को समझिए, इस अमेंडमेंट को समझिए कि इस अमेंडमेंट के द्वारा अमेरिका के सिटीजन्स के लिए नेशनल सिटीजनशिप को स्टेट सिटीजनशिप से लीगली सुपीरियर घोषित कर दिया गया। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, डुअल सिटीजनशिप। ओके, यहाँ पर एक इंडिविजुअल के पास दो तरह के सिटीजनशिप होते हैं, एक तो उस स्टेट का सिटीजनशिप जिस स्टेट का वो मेंबर है, जिस स्टेट में वो रहता है, और दूसरा पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सिटीजनशिप। मतलब मान लीजिए कि आप अमेरिका के एक स्टेट कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो आपके पास एक सिटीजनशिप होगा कैलिफोर्निया का और एक सिटीजनशिप होगा पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। लेकिन इन दो सिटीजनशिप्स में सुपीरियर कौन होगा या क्या दोनों इक्वल होंगे, ये क्वेश्चन है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का 14th अमेंडमेंट कहता है कि नेशनल सिटीजनशिप दैट मीन्स यूएसए का सिटीजनशिप सुपीरियर होगा स्टेट सिटीजनशिप की तुलना। ओके, ये अमेंडमेंट इस बात को क्लियर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 13th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट के द्वारा स्लेवरी को यूएसए में इलीगल घोषित कर दिया गया, आउटलॉ कर दिया गया। फिर 15th अमेंडमेंट, 15th अमेंडमेंट के द्वारा जो फॉर्मर स्लेव्स थे, अमेरिका के जो फॉर्मर स्लेव्स थे, उन्हें राइट टू वोट दिया गया। 19th अमेंडमेंट के थ्रू अमेरिका में वुमेन को राइट टू वोट दिया गया। और 22nd अमेंडमेंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। 22nd अमेंडमेंट के द्वारा अमेरिका के प्रेसिडेंट के टेन्योर को 2 टर्म्स के लिए फिक्स कर दिया गया। मतलब एक इंडिविजुअल अब सिर्फ 2 बार ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। पहले क्या था कि कोई इंडिविजुअल 2 से अधिक बार भी इलेक्ट होकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता था, लेकिन 22nd अमेंडमेंट के आ जाने के बाद ये प्रोविजन लाया गया कि नहीं, अब कोई भी इंडिविजुअल सिर्फ 2 बार ही, मैक्सिमम 2 टाइम्स अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के। अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम या आप कहें कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स को समझना होगा। तो इन 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स के थ्रू, इन 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स को समझकर हम अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को समझ सकते हैं। और ये 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है? पहला फेडरलिज्म, ओके, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर, और तीसरा जुडिशियल रिव्यू। तो आइए इन 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स को, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के इन 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स को हम एक एक करके समझते हैं। इन 3 फीचर्स को समझ कर ही आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म उस सिस्टम को कहते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट पावर 2 लेवल में डिवाइडेड होता है। गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल में डिवाइडेड होगा। फेडरलिज्म के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल में डिवाइडेड होगा। दैट मीन्स गवर्नमेंट 2 लेवल पर एग्जिस्ट करेगा, 2 लेवल पर मौजूद होगा, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल, या आप कह सकते हैं कि एक नेशनल लेवल और दूसरा सब नेशनल लेवल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नमेंट को 2 लेवल पे डिवाइड करता है, एक सेंट्रल लेवल पर जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं और एक स्टेट लेवल पर जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और फेडरलिज्म का ये जो अरेंजमेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरलिज्म का ये जो अरेंजमेंट है ये सबसे पुराना अरेंजमेंट है फेडरलिज्म का। ओके, फेडरलिज्म का अगर आपको सबसे पहला एग्जाम्पल देखना है तो आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखना होगा। तो अमेरिका को फेडरलिज्म का ओल्डेस्ट मॉडल कहा जाता है। फेडरलिज्म का जो आइडिया है, फेडरल तरीके से गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो आइडिया है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फील्ड में या पॉलिटिक्स के फील्ड में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ही मॉडल बनाकर दुनिया की बाकी कंट्रीज भी अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम में फेडरल फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। इंडिया ने भी ऐसा ही किया। तो अमेरिका के गवर्नमेंट 2 लेवल में मौजूद होंगे। अमेरिका में गवर्नमेंट 2 लेवल पे मौजूद होंगे, फेडरल लेवल और स्टेट लेवल। इन दोनों गवर्नमेंट का पावर अलग अलग होगा, ये आपको समझना है कि 2 लेवल पर गवर्नमेंट मौजूद होंगे, फेडरल लेवल और स्टेट लेवल, और इन दोनों गवर्नमेंट का पावर अलग अलग होगा। और ये दोनों गवर्नमेंट अपने पावर को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करेंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगा, पावर का डेलीगेशन नहीं होगा, पावर डिवाइडेड होगा। फेडरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देगा, दोनों गवर्नमेंट पावर एक सोर्स से डिराइव करेंगे, और ये सोर्स क्या है, कॉमन सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ये दोनों पावर को डिराइव करेंगे। ओके, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर होंगे, और कुछ ऐसे पावर भी होंगे जो कि दोनों गवर्नमेंट एक साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ इस तरह के पावर होंगे। वॉर डिक्लेयर करने का पावर, फेडरल गवर्नमेंट वॉर डिक्लेयर कर सकता है, ट्रीटीज़ बना सकता है फॉरेन कंट्रीज के साथ, इंटर स्टेट ट्रेड को रेगुलेट कर सकता है। तो इस तरह के पावर और भी कई तरह के पावर्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास होंगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होंगे मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड लॉज बनाने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। और तीसरा सेट ऑफ पावर जो है वो ये कि कुछ पावर्स जो है वो कॉमन होंगे, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ पावर कॉमन होंगे, जैसे टैक्स को इम्पोज करने का पावर। फेडरल गवर्नमेंट भी सिटीजन्स के ऊपर टैक्स लगाएंगी और स्टेट गवर्नमेंट भी सिटीजन्स के ऊपर टैक्स लगाएंगी। किसी क्राइम को डिफाइन करने का पावर, किसी क्राइम से रिलेटेड पनिशमेंट को डिफाइन करने का पावर, ये भी फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज और फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इस सिचुएशन में कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, किस लॉ को हम इंपॉर्टेंस देंगे, किस लॉ को हम फॉलो करेंगे। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 इस बात को क्लियर करता है, क्लियरली मेंशन करता है कि इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फेडरल गवर्नमेंट के लॉज को प्रायोरिटी दी जाएगी और स्टेट लॉ जो है उसे हम सेकेंडरी लेवल पर रखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के लॉज को हम प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो ये थे फेडरलिज्म के फीचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का सेपरेशन ऑफ पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और सेपरेशन ऑफ पावर के इस फीचर के मौजूद होने के कारण ही अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए इस फीचर को समझते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि अमेरिका में गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगी। देखिए, ये फेडरलिज्म से अलग है। फेडरलिज्म में भी गवर्नमेंट 2 पार्ट में मौजूद होती है, 2 लेवल पे मौजूद होती है। ये फेडरलिज्म से अलग है। फेडरलिज्म में क्या था कि गवर्नमेंट 2 लेवल पर एग्जिस्ट करती है, 2 लेवल पे मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगी। फेडरलिज्म में क्या है कि गवर्नमेंट 2 लेवल पर मौजूद होंगी, यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगी। गवर्नमेंट का पावर 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे और ये ऑर्गन्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, अलग होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर का यही मतलब है कि गवर्नमेंट का पावर डिवाइडेड होगा 3 ऑर्गन्स में और ये ऑर्गन्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, अलग होंगे। ओके, और गवर्नमेंट के ये 3 पार्ट्स क्या होंगे? पहला, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव पावर। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव पावर कांग्रेस के पास होगा। ओके, अमेरिका के लेजिस्लेचर को हम कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका के लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। और कांग्रेस 2 हाउसेस से मिलकर बनता है। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, और दूसरा है सीनेट, अपर हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होगा। और आर्टिकल 3 कहता है कि जुडिशियल पावर फेडरल कोर्ट्स के पास मौजूद होंगे और फेडरल कोर्ट्स में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दैट मीन्स कांग्रेस, प्रेसिडेंट और फेडरल कोर्ट्स, और इन तीनों के बीच पावर डिवाइडेड होंगे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के सेक्शन 6 इस सेपरेशन ऑफ पावर को क्लियरली इंश्योर करने की कोशिश करता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 सेक्शन 6 के द्वारा इस सेपरेशन ऑफ पावर को क्लियरली इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। देखिए, आर्टिकल 1 सेक्शन 6 कहता है, आर्टिकल 1 सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल एक समय में गवर्नमेंट के इन 3 ऑर्गन्स में से किसी एक ऑर्गन का ही मेंबर हो सकता है। कोई भी इंडिविजुअल एक समय में, एट अ टाइम, गवर्नमेंट के इन 3 ऑर्गन्स में से किसी एक ऑर्गन का ही मेंबर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं, आप जुडिशरी के भी मेंबर हैं और लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं। नहीं, ये कभी नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे तो आपको लेजिस्लेचर और जुडिशरी का मेंबर नहीं होना होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम का ऑपोजिट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया में, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इस सिस्टम के जस्ट ऑपोजिट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में फ्यूजन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। फ्यूजन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पर जो इंडिविजुअल लेजिस्लेचर का मेंबर होगा वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले क्या है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और बाद में फिर वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर होगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 1 सेक्शन 6 तो ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल एट अ टाइम इन 3 ऑर्गन्स में से सिर्फ किसी एक ऑर्गन का मेंबर हो सकता है। अगर आप लेजिस्लेचर के मेंबर हैं और मान लीजिए आपका सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव में होता है, तो आपको सबसे पहले अपने लेजिस्लेचर के मेंबरशिप से रेजिग्नेशन देना होगा, तभी आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो सकते हैं। तो ये एक तरीका है सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने का, आर्टिकल 1 सेक्शन 6। एक और तरीका है सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन लाया गया है कि गवर्नमेंट के इन 3 डिफरेंट ऑर्गन्स के जो भी मेंबर्स होंगे इन मेंबर्स को इलेक्ट करने का तरीका अलग अलग होगा। ये अलग अलग तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे और इनका टेन्योर अलग अलग होगा। 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स के मेंबर्स होंगे और इन 3 ऑर्गन्स के मेंबर्स को अलग अलग तरीके से इलेक्ट किया जाएगा और इन सभी का टेन्योर अलग अलग होगा। तो आइए देखते हैं कि इन 3 ऑर्गन्स के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर में 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। पीपल डायरेक्टली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर को इलेक्ट करेंगे और इन्हें 2 सालों के लिए इलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर एक मेंबर कई बार री इलेक्ट होकर आ सकता है। री इलेक्ट होने का कोई लिमिट नहीं होगा। आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कई बार री इलेक्ट होकर आ सकते हैं। 2, 3, 4, 5 कई बार आप री इलेक्ट होकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आ सकते हैं। फिर है सीनेट। सीनेट के मेंबर्स भी डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होंगे। सीनेट के मेंबर ये भी डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होंगे और इनका टेन्योर 6 साल का होगा। 6 साल का होगा। लेकिन सीनेट के जो टोटल मेंबरशिप है, सीनेट का जो टोटल मेंबर्स है, इन टोटल मेंबर्स का 1/3 पार्ट हर 2 साल में रिटायर करेगा। मतलब हर 2 साल में सीनेट के 1/3 सीट्स के लिए री इलेक्शन होगा। ओके, और यहाँ पर भी बात वही है कि कोई भी एक मेंबर एक से कितने बार भी चाहे वो री इलेक्ट होकर सीनेट में आ सकता है, सीनेट का मेंबर बन सकता है। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। री इलेक्शन को लेकर यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर देखते हैं प्रेसिडेंट जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होता। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टर्स। तो लोग इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। ये जो इलेक्टर्स हैं इन्हें इलेक्ट करते हैं और ये इलेक्टर्स फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो लोग इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो लोग किन्हें इलेक्ट करेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। और ये मेंबर्स, इलेक्टोरल कॉलेज के ये मेंबर्स जिन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है, ये मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ओके, तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्टर्स को चुनते हैं और ये इलेक्टर्स इलेक्टोरल कॉलेज में जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कोई कॉलेज नहीं है, बल्कि एक आप समझ सकते हैं कि एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप इसे देख सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन की तरह देख सकते हैं, जहाँ पर ये इलेक्टर्स मौजूद होंगे और ये इलेक्टर्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप बस ये समझ लें कि इलेक्शन जो है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्शन होगा और इलेक्टोरल कॉलेज में जो इलेक्टर्स मौजूद होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होंगे, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे और इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को जनता के द्वारा, पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। ओके, ये आप समझ लें। उसके बाद देखते हैं फेडरल जजेस। जितने भी फेडरल जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। फेडरल जजेस को अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट सिर्फ इन्हें अपॉइंट कर सकता है, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट को कंफर्म कौन करेगा? सीनेट करेगा। इनके इन अपॉइंटमेंट्स को अप्रूवल कौन देगा? सीनेट देगा। प्रेसिडेंट के इन अपॉइंटमेंट्स को सीनेट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। मान लीजिए चीफ जस्टिस का पोस्ट खाली है और प्रेसिडेंट ने एक नाम को प्रपोज कर दिया चीफ जस्टिस के पोस्ट के लिए, जब तक सीनेट के द्वारा इस नाम को अप्रूवल ना मिल जाए तब तक वो इंडिविजुअल चीफ जस्टिस के पोस्ट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट सिर्फ रिकमेंड कर सकता है किसी नाम को, ओके, जजेस के नाम को। इन जजेस के नाम को अप्रूवल देने का काम क्या किसका होता है? सीनेट का होता है। सीनेट के अप्रूवल के बाद ही जो अपॉइंटमेंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा वो अपॉइंटमेंट इफेक्टिव हो पाएगा। ओके, तो इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और इनका टेन्योर होता है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैंने आपको बात बता दी कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट होंगे और इनका टेन्योर एक बार में 4 साल का होगा और एक इंडिविजुअल सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, चेक एंड बैलेंस का प्रोविजन। चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस एक दूसरे के पावर को कंट्रोल करेंगे, एक दूसरे के पावर को लिमिट करेंगे। ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा ऑर्गन गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के पावर को इनक्रोच ना कर ले। ओके, एक गवर्नमेंट के पावर को इनक्रोच ना कर ले, ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा होता कैसे है, देखिए, मान लीजिए सीनेट की हम बात कर रहे हैं, तो सीनेट अगर चाहे तो प्रेसिडेंट के द्वारा जितने भी अपॉइंटमेंट के प्रपोजल सीनेट के पास आएंगे, इन प्रपोजल्स को सीनेट रिजेक्ट कर सकता है, इन्हें अप्रूव नहीं कर सकता है। तो प्रेसिडेंट वेरियस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ नाम प्रपोज करेगा, लेकिन इन प्रपोजल्स को सीनेट का अप्रूवल अगर नहीं मिले तो ये अपॉइंटमेंट्स, ये प्रपोजल्स इनफेक्टिव रहेंगे, ये अपॉइंटमेंट्स कभी इफेक्टिव हो ही नहीं पाएंगे। तो ये एक तरीका है सीनेट जो कि यूज़ कर सकता है प्रेसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, कांग्रेस। ओके, कांग्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों हाउसेस की बात कर रहे हैं, तो दोनों हाउसेस मिलकर प्रेसिडेंट और फेडरल जजेस को इम्पीच कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है कि किस तरह से लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाएगा। तो लेजिस्लेचर के हाथ में वो पावर है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को इम्पीच कर सकता है, जुडिशरी के मेंबर को इम्पीच कर सकता है। अगर बात हम प्रेसिडेंट की करें कि प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर क्या है, तो प्रेसिडेंट के पास जो स्पेशल पावर है वो है वीटो पावर। देखिए, कांग्रेस के द्वारा पास किया गया कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक उस बिल पर प्रेसिडेंट का साइन ना हो। जब प्रेसिडेंट साइन करेगा एक बिल के ऊपर तभी वो बिल लॉ बनेगा। ओके, तो प्रेसिडेंट के पास जब भी कोई बिल आता है तो 3 ऑप्शंस होंगे, प्रेसिडेंट के सामने 3 ऑप्शंस मौजूद होंगे। जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आया तो प्रेसिडेंट के सामने 3 ऑप्शंस मौजूद होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि बिल पर साइन कर दिया जाए, अगर प्रेसिडेंट बिल पर साइन कर देता है तो वो बिल कानून बन गया, लॉ बन गया। दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट के सामने होगा कि वीटो पावर को यूज़ किया जाए और बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए। जब प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर यूज़ करता है तो बिल रिजेक्ट हो जाता है और वापस कांग्रेस के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा वीटो किए गए बिल्स को दोबारा से पास करने के लिए कांग्रेस को इन्हें 2/3 मेजोरिटी के साथ दोबारा पास करना होता है। अगर दोबारा ये बिल कांग्रेस लाना चाहता है तो इसे 2/3 मेजोरिटी के साथ कांग्रेस को पास करना होगा। और प्रेसिडेंट के द्वारा वीटो किए गए बिल को अगर कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी के साथ दोबारा पास करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इस बिल को प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकता, एक ही बार वीटो कर सकता है प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के पास तीसरा ऑप्शन है कि डू नथिंग। अगर बिल आया तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं करेंगे, उस पर साइन भी नहीं करेंगे और वीटो पावर को भी यूज़ नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट किसी बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता तो इस सिचुएशन में 10 दिन के अंतर्गत विदिन 10 डेज जो बिल है वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर 10 दिन से पहले, 10 दिन कंप्लीट होने से पहले कांग्रेस एडजर्न हो जाता है, दैट मीन्स कांग्रेस का सेशन खत्म हो जाता है, तो ये जो बिल है ये परमानेंटली डेड हो जाएगा, ये परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये परमानेंटली रिजेक्ट, खत्म हो जाएगा ये बिल। ये जो तीसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास कि बिल से रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लेना, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखना है, तीसरा ऑप्शन, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। लेकिन ये पॉकेट वीटो तभी इफेक्टिव होगा जब 10 डेज से पहले कांग्रेस एडजर्न हो जा रहा हो या कांग्रेस का सेशन खत्म हो जा रहा हो। ओके, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जुडिशियल रिव्यू। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। 1803 में मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस में सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम जुडिशियल रिव्यू के पावर को यूज़ करता है और उसी समय से जुडिशियल रिव्यू का पावर जुडिशरी के पास है। 1803 में मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस में जुडिशियल रिव्यू के पावर को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसी समय से ये जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख लिया। जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग कोर्ट के द्वारा किसी भी लॉ को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो उन्हें नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। वे लॉस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को वायोलेट करते हों उन लॉस को नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट घोषित कर सकता है। अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ये किसी भी फेडरल कोर्ट्स के द्वारा एक्सरसाइज किया जा सकता है, किसी भी स्टेट कोर्ट के द्वारा भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, कोई भी कोर्ट इस पावर को यूज़ कर सकता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा कि एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लिया जाएगा। मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया तो आप उसे हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे रहा है तो फिर कोई अपील नहीं है, वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल एंड वॉइड है। और सुप्रीम कोर्ट जब किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है तो इस डिसीजन को बदलने का, ओवरटर्न करने का दो ही रास्ता है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर सकते हैं, या दूसरा सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन को ओवरटर्न कर सकता है। लेकिन इस बार कोई दूसरे जजेस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मेंबर्स के द्वारा एक डिसीजन को ओवरटर्न किया जा सकता है। तो ये दो तरीका है। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम के। उम्मीद है कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स का पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ गया हो, एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बिल्ड हो गया हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।